क्या हाल है आपके नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बड़े थोड़ी सी डिफरेंट सी स्टाइल की एक रेसिपी लेके आई हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दिया करें। तो सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं आपको बता रही हूँ, 2 कप मैं एक चीज़ी ब्रेड और एक पोटैटो सूप बनाना सिखा रही हूँ आपको, और ये बहुत टेस्टी है। कॉर्न सूप पीते हैं, बहुत सारे सूप होते हैं, आप पोटैटो सूप पिए, आलूओं का सूप, तो आप वो बना के पिए और बनाएं और इसके साथ ये ब्रेड बनाएं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका फीडबैक भी आपने मुझे देना है, बेल आइकन पे भी आपको प्रेस करना है, ताकि मैं आप लोगों को नई नई रेसिपी आपको बताती रहूँ, मेरी एक रेसिपी आपको मिलती रहे। यहाँ पे मैं आपको, चले टाइम ज़रा थोड़ा सा कम ले, क्योंकि इसको बेक होने, राइस होने में टाइम लगेगा। इसमें 2 कप मैदा है, इसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून चीनी है, 1 टेबलस्पून ये ईस्ट है, इंस्टेंट जो होती है, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो है, और 1 अंडा है, 1/2 कप दूध है। ये गार्निशिंग के लिए धनिया और ये ऑलिव्स वगैरह के आपके पास ऑप्शन है, धनिया डालना चाहती है धनिया डालें, अगर ऑलिव्स हैं आपके पास तो ऑलिव डालें, जो भी आपने डालना है, ठीक है। और दो टेबल स्पून ये ऑयल है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ताकि फिर हम लोगों को, पहले हम लोगों ने 1 अंडा डालना है, वन टू, बस टू है क्योंकि 2 टेबल स्पून का है ना। यहाँ पे हमने ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको डायरेक्ट डाल दें, क्योंकि इंस्टेंट है ना सारी चीज़ें इसमें है ही नहीं ऐसी, सबको मिक्स करना और दूध से गूंदना है। दूध और डालना चाहती हैं और भी डालें, क्योंकि थोड़ा वो जैसे होता है ना, हम क्या कहते हैं, पिज्ज़ा का डो, उसी तरह बनाना है, ठीक है। चलें अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके, अगर आपने दूध डालना है दूध डाल दें, अगर आपने वो डालना है क्या कहते हैं पानी डालना है, पानी से गूंदना है तो पानी में डाल दें। देखिए जिस तरह मैं बना रही हूँ आप इस तरह बनाएं, ठीक है। बाद में होता है, लोग कहते हैं नहीं जी दूध कैसे डालें, कैसे ये ज़रा महंगा है ये है, तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं, आधा मैं दूध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। चले जी, अभी हमने इसको थोड़ा सा नीट करके गूंद के, ज्यादा वो सख्त नहीं गूंदना, बस नॉर्मल जैसे पिज्जा का डो होता है वैसे बनाना है, ठीक है। अब इसको हमने, देखिए क्योंकि राइस होने में टाइम लगता है 1-2 घंटे, तो कम से कम जितना अच्छा राइस होगा फूलेगा उतना अच्छा हमारा ये डो बनेगा, ब्रेड अच्छी बनेगी, ठीक है। अभी इसको हमने ओवन में रख देना, माइक्रोवेव में रख देना है, क्योंकि यह ठंड है, ठंड में तो आपको पता है थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, तो हम लोग इसको ओवन में रख देंगे या किसी देचकी में डाल के रख दें, ताकि उसको डायरेक्ट हवा ना लगे, ठंडा रहेगा, है ना, ठंडी जगह है हमारी जी। अभी इसको हमने राइस होने के लिए रख देना है, अब इसको कवर करें, क्लीन करें, प्लास्टिक रैप करें, कुछ भी करें, लेकिन इसको गर्म जगहों पर रख दें, ठीक है। चलिए अभी इसको हम, अभी हमने इसको माइक्रोवेव में रखा है, मैं क्योंकि गर्म जगह पर रख रही हूँ ना, ये चलाना नहीं है, सिर्फ हमने माइक्रोवेव में रखे बंद करके कवर होकर रख दिया। आप लोगों के भी हमारी ब्रेड राइस हो चुकी है, इतनी नहीं हुई लेकिन हो गई है, काफ़ी हो गई है, तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर ले, अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छी हो गई है, तो यहाँ पे हमने ब्रेड को फ्लैट कर लेना है, मैदे को, मतलब ब्रेड बननी है तो फिर मैदा ही करना है।
अच्छा, मैंने ये इसकी जो बेकिंग शीट है ना, बेकिंग ट्रे, उसमें रख लिया है, क्योंकि थोड़ा सारा ना नरम होती है ना ब्रेड। ये देखिए, थोड़ा सा हमारी, ये देखिए ब्रेड बिल्कुल इक्वल हो गई है, क्योंकि इसमें कोई, हमने तो बाद में कटिंग करनी है मोजरेला चीज़। यहाँ पे अब इसके ऊपर हमने धनिया डालना है, ऑयल लीफ डालनी है, ओवन हमने प्री हीट रखा हुआ है जी। अभी हमने ये देखें थोड़ी देर रख के बाहर, और अपना ब्रेड को ओवन में डालने लगे। ओवन में रख दें जी। हमें पोटैटो सूप के लिए, आज हम पोटैटो सूप बनाएंगे, बहुत मज़े का है, आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसे बनाए। ठीक है, सबसे पहले हमने एक आलू लेने, दो ले लें, मैंने एक लिया क्योंकि मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। हाफ कप कॉर्न है, और ये जो है चिकन पाउडर है, इसमें एक टेबलस्पून जाएगा, कॉर्नफ्लोर है, सोया सॉस है, काली मिर्चें भी हैं, ठीक है, काली मिर्च भी है, ठीक है, और नमक भी, या एक टीस्पून नमक भी है। चलिए जी, अभी स्टार्ट करते हैं। जग में बॉयल आलू है, एक बड़ा वाला आलू बॉयल है, ठीक है, इसको डालना है। हाफ कप से भी, हाफ कप है बस कॉर्न है। अब हम लोगों ने इसमें क्या, पानी डालना है, अब इसको ग्राइंड करना है, पीसना है इसको, ठीक है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, फाइन सा पेस्ट आलू और कॉर्न का तैयार हो गया। चलिए हम लोग अभी अपना पैन को ऑन करें, चूल्हे को ऑन करें और पैन रखें। चलिए जी, ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया, ठीक है, ताकि पतला हो जाए, क्योंकि सूप है ना, सूप में तो फिर आपको पता पकड़ना पकना है। और ये माशाल्लाह से ये इतना मज़े का बनता है कि बस आप देख लेना बना के। एक टीस्पून, ठीक है, फिर देखते हैं, चिकन पाउडर लेवल डालें, ठीक है, देखें यहाँ से थोड़ा सा पकड़ेगा, थोड़ा सा हमें पानी पतला करने के लिए, थोड़ा सा पतला करना है ताकि सूप अच्छा बने, पकेगा तो फिर ये थिक हो जाएगा ना, कॉर्न है और सारा कुछ, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। चलिए, हाँ जी, और अभी इसमें हमने नमक भी ऐड करना है, सोया सॉस, नमक, ये सब चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि थोड़ा जोश तो आएगा। स्पून सोया सॉस, एक टीस्पून हमने चिली सॉस डालने, जी ये दो टीस्पून हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर को पानी में डाल के मिक्स कर लिया है, इसके लम्स वगैरह ख़त्म कर ले। ये दो, ये वाला कॉर्न मैंने ये वाला इस्तेमाल किया, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी वो इतना थिक होता है ना, इसको सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, थिकनेस के लिए। ये देखिए बिल्कुल पानी वाला है ना, तो इसमें थोड़ा सारा हम लोगों ने, अभी इसका जोश नहीं आया, बॉइलिंग पे नहीं आया, थोड़ा सा बॉयल हो जाए और इसको यहाँ से हम उठा लेते हैं, ठीक है, अभी बस हमारी ब्रेड तैयार है, हमने ओवन को बंद कर दिए और निकालते हैं इसको।
ब्रेड को काटने, गरम गरम काटें ताकि अभी थोड़ी सी ठंडी होती है, फिर सूप के साथ पीस के तो करते हैं। यह हमारा सूप तकरीबन काफ़ी बॉइलिंग पे आ गया है, ये देखिए, ठीक है। अब काफ़ी इसके अंदर आलू हैं वो तो बॉइल्ड है, और इसमें कॉर्न है तो वो थोड़ा सा वो भी बॉइल्ड होते हैं, तो सिर्फ इसका स्टार्च वगैरह निकालने के लिए होता है, ठीक है ना। अभी हमने जो ये कॉर्नफ्लोर भिगोया वो डाल देंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके डाल, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि वो ऑलरेडी इतना थिक है। ये देखिए पोटैटो सूप और चीज़ी ब्रेड तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, नई नई चीज़ों को ट्राई किया करें। नॉर्मल जो सूप होते हैं वो तो चल रहे होते हैं रूटीन में, कॉर्न है, हर तरह के होटल सॉर है, चाइनीज सूप से चलती रहती है। आप इस तरह का भी ट्राई करें, मैं क्योंकि नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आप लोग भी ये ब्रेड भी और इसके साथ ये सूप ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक दें और बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह अभी इजाज़त दें, कल आप नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।